शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाड़ी घाट की तरफ ले चलो। सीधी बैठो बेबी, सीधी। बेबी, तुम्हारी जायदाद हासिल करने के लिए तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। चलो चलो चलो, ले जाओ तो फेंक दो पहाड़ी के नीचे। चलो चलो चलो। अपने मोरे
मुर्गे को रखना संभाल के मेरा मुर्गा, ओ मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। हम तो बनेंगे हीरो। टप मोटू छोटू नाश्ता तैयार। छोटू कहाँ है? शीशे के सामने, उसे कंघी करने से फुर्सत मिले तब ना। कंघी? हाँ। छोटू चल नटी, चाचा गुस्से में। जा मोदी, छोटू जल्दी आ जाना, सा ठंडा हो रहा है। आ गया चाचा, आ गया। हर वक्त कंघी करते रहता है, तेरे को हीरो हीरो बनना है क्या? नहीं चाचा, वैसे कभी चांस लग गया तो। वैसे कभी चांस लग गया तो इसका चांस है क्या? नहीं। चले 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 चले। लो आ गया चीचो अंकल का मोटरसाइकिल। ये नाश्ते के वक्त ही क्यों होता है? अब आकर कहेगा, वैसे तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा ले लेता हूँ। टबू गुड मॉर्निंग। आ चीचो, नाश्ता हो रहा है? हाँ। नाश्ता करेगा? वैसे तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ फिर भी थोड़ा ले लेता हूँ। चीचो आज कहाँ की तैयारी है? बस राजा, आज जू तक जाना है। जू? जू क्यों? वहाँ कल रात शेरनी ने बच्चे दिए हैं, उनका कुछ फोटो और इंटरव्यू वगैरह लेना है। इंटरव्यू? शेर का है, शेरनी का? इंटरव्यू तो उसका जो शेर की देखभाल करता है, शेरनी और उसके बच्चों का फोटो। अंकल जरा दूर से फोटो खींचना, शेरनी तुम्हें ही ना खींच ले। चल चुचु शुरू हो जा, मुझे काम पर जाना। हाँ यार। फोटो चुचु तो खा में तैयार होता। हाँ चुचु अंकल, आप हमेशा चाचा के साथ ही क्यों जाते हो? अपनी मोटरसाइकिल पर क्यों नहीं जाते? तुम लोग को पता नहीं है सरकार क्या कहती है? पेट्रोल बचाओ और राजा को कंपनी भी मिल जाती है। चल जाए में दिला, तू पहले चल। लाए दिला। चाचा के साथ जाते हैं। नोटी नोटी मेरे लिए नहीं, छोटू के लिए बनाया था, मेरे लिए नहीं, कसम से। छोटू ले, छोटू ले ले, नोटी नोटी हट जा, नोटी हट जा, नोटी देख लो तुम्हारे बंदर को। चुचू हो गया तेरा नाश्ता? हाँ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और तुम लोग का? हाँ चाचा। सुनो, मैंने खाना बना के रख दिया है, स्कूल जाते जाते अपना अपना टिफिन लेके जाना, और हाँ कोई झगड़ा नहीं करेगा। हाँ चाचा। हाँ चाचा, कल तुम लोगों का टीचर मिला था, पहला तो तुम लोग स्कूल में बहुत लड़ाई करते हो, और मोटू तू तू तो होमवर्क भी ठीक से करके नहीं जाता है। क्यों मोटू? नहीं चाचा, मैं तो होमवर्क करके जाता हूँ। होमवर्क करके जाता हूँ? तेरा टीचर क्या झूठ बोल रहा था मेरे को? होमवर्क करता है। बाप रे, बच्चे तो बच्चा, कुत्ता भी बदमाश हो गया यार। अभी काट लेता तो 14-15 पता नहीं कितने इंजेक्शन लग जाते। मैं तो बच गया यार आज। ओ बस राजा, बहुत हो चुका, आज से तेरे घर पे आना बिल्कुल बंद, वरना तो तेरा ये मोती किसी दिन मेरा टंगड़ी कबाब बना के खा जाएगा, और ये बच्चे, ये तो दुश्मन है मेरे, दुश्मन। छोड़ना चुचू, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हाँ शरारत, तू नहीं जानता कितने बिगड़ गए ये बच्चे, तू तो दिन भर घर से काम की वजह से बाहर रहता है, लेकिन ये लोग घर में क्या करते हैं तुझे मालूम है? इनके भले के लिए बोल रहा हूँ किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दे इन्हें। नहीं चुचू, मैंने अपने से अलग नहीं कर सकता, तू तो जानता है कितने छोटे से थे जब भैया और भाभी की रोड एक्सीडेंट मौत हो गई थी, मेरे अलावा इनका और है ही कौन, और तू तो जानता है कि प्यार के सिवा मैंने और क्या दे पाता हूँ यार। नहीं चुचू नहीं। तो तू शादी कर ले यार। शादी? हाँ, इनकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। अब कौन ऐसी लड़की होगी जो मुझसे शादी करके 3 बच्चों की रेडीमेड अम्मा बनना पसंद करेगी? हाँ अगर आसमान से आटप की तो और बात है। यहाँ से रोक दो, ये लो 10 पैसे। जीजा जी कहाँ रह गए थे आप? अरे मटके का नंबर लगा रहा था, फ्लाइट आ तो नहीं गई? मैडम की फ्लाइट आ गई जीजा जी। अरे उल्लू की तुम फाकता, क्या विलायत थी चूहे कितना उचक उचक का जीजा जी लगा रखी, कितनी बार कहा कि लोगों के सामने मुझे सेठ जी, सेठ जी कहूंगा। अब तू चिड़ियाघर में काम नहीं करता, तेरे दिन बदल गए हैं। आपके भी, एक वो दिन था जब आप चिड़ियाघर में मैनेजर थे, चचेरे भाई के मरते ही आप सेठ जी हो गए। सेठ जी चुप कर,
पूरे घर की साफ सफाई कर दी ना। हाँ कर दी कर दी। रेस की किताबें रद्दी में बेच दी और जो भरी हुई शराब की बोतलें थी वो अपने घर पहुंचा दी। मेरी बनाई थी शराब तूने? आ गई मैडम, आ गई अंकल। आई एम नॉट अ बेबी एनीमोर, मेरा नाम रेनू है। और इसका नाम मरकुटे है। इसका नाम क्या बेबी? रोमियो। इजंट इट ब्यूटीफुल? इट्स वेरी ब्यूटीफुल रोमियो। तुम इसको रखो, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। आओ बेटी आओ। वेलकम रेनू बेटी। हाउ आर यू अंकल? फाइन थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गई। अंकल ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम था जो आपने मुझे अचानक चले आने को कहा? रेनू बेटी तुम्हारा आना बहुत जरूरी था। अगले हफ्ते तुम 21 बरस की हो जाओगी। तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस सब तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करना है। पेपर्स तो तुम ही साइन करोगी ना? ठीक है, पेपर साइन करके मैं वापस चली जाऊंगी। रेनू बेटी ऐसी बातें मत करो, बड़े भाई साहब की तुम्ही तो एक निशानी हो। अगर आज वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। और आप कितने दुखी मरकुटे? अंकल ये बैगेज टैग्स हैं, मेरा सामान। अब मरकुटे ले आएगा। मरकुटे ये तो आप ही हैं, इसको संभालिए। ओहो मरकुटे मरकुटे। फनी मैन, अंकल ये कौन है? तुम्हारी आंटी का भाई है। बेटी इसकी सूरत पर मत जाओ, आदमी बड़े काम का है, सस्ता और टिकाऊ। चलो अरे भाई, अरे इधर आओ बेटी आओ। स्टॉप इट स्टॉप इट। बटन लगाओ। सॉरी मैडम, बटन। आओ बेबी आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? बेबी सीधी खड़ी रहो, ये सब बहुत जरूरी होता है। आंटी ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, फॉरगेट इट। अब रहने भी दो, जब बेबी को पसंद नहीं तो काहे को सारे घर में धुआं धुआं कर रही हो? अब हटो आगे से, हथनी की तरह रास्ता रोक के खड़ी हो गया। आओ ना, आओ बेटी आओ बेटी आओ आओ आओ। वेलकम वेलकम सिस्टर वेलकम। हु आर यू? आई एम चंकी। चंकी नहीं बेचारा, अरे मेरा बेटा चुनौती। नॉट चुनौती डैड, आई एम चंकी। ये सिस्टर ये फूल अपने गार्डन के हैं। अपने गार्डन के? ऐसे रोजेस अपने गार्डन में हैं? क्यों अच्छे नहीं है? वेरी बैड। इनका साइज तो देखो, आज कैसी कैसी वैरायटीज हैं गुलाब की, मैंने इसी पर रिसर्च की है। और सुनो, माली से कहना कल सारे प्लांट्स निकाल दे, आई विल टीच हिम गुलाब कैसे लगते हैं। ओके सिस्टर। वापस लो। नमस्ते मैडम। नमस्ते आप लोग? ये हमारे ऑफिस में एक काम करते हैं, खास तौर से तुमसे मिलने आए बेटी। अंकल आज मैं बहुत थक गई हूँ, इनसे बोलिए फिर कभी। नो प्रॉब्लम, बेबी थक गई है, आप लोग जाओ जाओ। नमस्ते नमस्ते बेबी, टेक योर टाइम, रेस्ट करना। बड़ा बेबी बेबी करते थे, बेबी ने आते ही दे दी ना चाबी। दिमाग तो देखो, थक गई है, रेस्ट करेगी। अरे दूध देने वाली गाय की दो लातें तो सहनी पड़ेगी ना। 4 दिन के लिए आई है, पेपर्स पे साइन करेगी और चली जाएगी। इतने दिनों में क्या पेड़ उखाड़ेगी और क्या पेड़ लगा लेगी। जूस मैडम। और ये तुम क्या ले आए? स्वीट लाइम ऑरेंज जूस कहा था, टेक इट अवे। आई एम सॉरी मैडम। नंसी ये शेड अच्छा नहीं है, डीपर शेड लगाओ। यस मैडम। ये लीजिए चेक। हाँ जी। और सुनिए झुम्मन लाल जी। हाँ जी। मेरी भतीजी का बर्थडे है। अच्छा। डेकोरेशन मुझे झमाझम चाहिए। हाँ जी। ये आपकी मोटी भैंस जैसी अकल में मेरी चिड़िया जैसी बात घुसी या नहीं घुसी? हाँ घुस गई जी। घुस गई तो जाइए। अच्छा। और तुम सुनो। जी सर। घोड़े की तरह दौड़ कर जाओ और केक का ऑर्डर देकर आओ। ओके सर। जाओ जाओ। बोलता नहीं ये, तुम उल्लू की तरह आंखें मटका मटका कर क्या कर रहे हो? मेहमानों की लिस्ट तैयार हुई या नहीं? तैयार है जी। लाओ ये लिस्ट है शत्रुमुर्ख की गर्दन। अंकल आया रेनू बेटी, आया आया आया। अंकल ये सब क्या हो रहा है? वो बेबी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, ये सब उसी की तैयारियां चल रही हैं। देखो मेहमानों की कितनी बड़ी लिस्ट। कैंसिल द पार्टी। क्या? आई सेड कैंसिल द पार्टी। पार्टी कैंसिल, लेकिन क्यों? मुझे इस तरह से बर्थडे नहीं मनाना है। और हाँ मेरी स्पीडबोट का क्या हुआ? मरकुटे उसी के लिए गया हुआ है। वो तो 10 बजे आने वाला था। बस आता ही होगा, पता नहीं कहाँ मर गया। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। You're late. टाइम क्या हो रहा है? टाइम 11:30 तो हुआ होगा मैडम। घड़ी कहाँ है तुम्हारी? जी घड़ी तो नहीं है मेरे पास, घर की छत से घंटा घर दिखाई देता है, उसी में टाइम देख लिया करता हूँ। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? जी नहीं मैडम। अंकल अपनी घड़ी इसे दे दीजिए। मेरी घड़ी? मैं अगली बार घड़ी वाला नौकर रख लूंगा। ओहो अंकल, मैं आपके लिए बहुत सी नई वॉचेस लाई हूँ, ये से दे दीजिए। तो मैं इसे उनमें से एक दे दूंगा। अंकल अच्छा, दे दीजिए। थैंक यू मैडम। और मरकुटे जी, आज के बाद हर काम टाइम पर। अब तो होगा। और मेरी बोट का क्या हुआ? बोट अगले हफ्ते आ जाएगी मैडम। नेक्स्ट वीक? हाउ बोरिंग, यहाँ पर लोग वक्त कैसे काटते हैं। अच्छा ठीक है, मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी,
गाड़ी निकलवाओ। जी मैडम बिल्कुल अभी निकलवाता हूँ। अरे तू खरगोश की तरह कूदी मारकर कहाँ जा रहा है? कूदी मारकर? हाँ घड़ी वापस कर, ये मैडम ने मुझे दी है। लेकिन तेरा टाइम ठीक नहीं है, अब जाकर गाड़ी निकलवा। मैडम आपके पैकेट्स। मर्कुटेस सामान। जी बहन जी जरा मदद करेंगे? ओहो ये तो कैसे करेंगे, अब मैं सब सामान को कैसे लूं? इसको नीचे रखूं? नहीं आप ले लें इसको, नहीं तो आप लेंगे तो फिर सामान कैसे? तो मैं नीचे रख देता हूँ तभी सामान लूंगा ना, है? ये तो ऐसे ही है। अरे रुक जा भाई रुक जा ना, लाई रोमियो। मैडम रोमियो भाग गया। What? You stupid fool! रोमियो मैडम रोमियो 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 चल सकते रोमियो? कुछ हो गया तो मैं रोमियो। इंसान से ज्यादा जानवर की फिक्र है। रोमियो अब तुम्हें क्या हो गया है? रोमियो भाग गया जी। अरे ओ तुम्हारी मैडम ने जो मेरा इतना बड़ा नुकसान किया उसका क्या होगा? अगर मैडम का रोमियो खो गया जी तो ये मरकुटे जिंदगी भर के लिए सो गया जी। माफ कीजिएगा माफ कीजिए। कैसे कैसे जानवर पाल रखे? राजा ये है तेरे पिछले हफ्ते की पेमेंट, गिन ले। ठीक है यार। गुड इवनिंग मैडम। क्वाइट रोमियो। हां वही यार 20 डजन अंडे 15 किलो ब्रॉयलर हरी भाजी वगैरह वगैरह। कम रोमियो कम। अरे यहां भी ए भाई कुत्ता पसंद आया है कुत्ते वाली? भगवान ने भी कैसे कैसे खूबसूरत जानवर बनाए हैं। चलता हूं यार। ओके बाय। मिस फंडू ये मर्सिडीज गाड़ी किसकी है? एक मेम साहब की, वो टेनिस खेलने गई हैं। टेनिस खेलने गई? गाड़ी सर पार्क करते हैं, मैं अपनी जीप कैसे निकालूंगा? नाम क्या लड़की का? रोमियो। रोमियो लड़की का नाम? रोमियो जी नहीं उनके कुत्ते का। वही हो राजा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलकर अपनी गाड़ी निकालो। गाड़ी किस लिए? अरे इसलिए कि मुझे अपनी जीप निकालनी है और तुम्हारी गाड़ी मेरे जीप के एकदम सामने खड़ी है। गाड़ी कैसे पार्क करते इतना भी नहीं मालूम। अच्छा ठीक है तुम बाहर वेट करो, मैं भी खेल रही हूँ, ये गेम खत्म करने के बाद आऊंगी। ए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? दूर हटो। आहा गाड़ी सटा के रखती और खुद दूर सटक दियो। शट अप शट अप। सुनो मैडम गाड़ी चाबी निकालो वरना मैं तुम्हारी मर्सिडीज को ठोककर डुक 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 कर फियर बना दूंगा। ये लो। थैंक यू। ये लो। सुनो चाबी वॉचमैन को दे देना। रास्कल आज तो चाचा से बोल ही देंगे। कौन बोलेगा? तू? मैं बोलूंगा, मैं चाचा से नहीं डरता। आज पिक्चर देखेंगे और फिर कितने दिन बाद तो संडे आया है। ए डब मोटू छोटू क्या मीटिंग चल रही है? तू बोल ना मोटू। छोटू तू बोल देना चाचा आज हमारी छुट्टी है। मालूम है संडे, बात बोल बात। आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आगे बोल आगे। पिक्चर दिखाओगे चाचा? कौन सी? प्रीटी वुमन। क्या प्रीटी वुमन? नहीं नहीं ईटी। ईटी नहीं बैटमैन। ऐसा करो आज डिसाइड कर लो, अपन अगले संडे चलते हैं। स्टार वॉर्स। नहीं नहीं चाचा फैसला तो हो गया। क्या? स्टार वॉर्स। अच्छा जाओ नहा धो के तैयार हो जाओ। चाचा परसों ही तो नहाए थे। अच्छा फिर हाथ मुंह धो लो, मैं नहा लेता हूँ। मैं भी कल ही तो नहाया था, मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ यार। चलो हो गई ना गड़बड़, अब ये चाचा को उल्टा सीधा समझा देगा और अपना प्रोग्राम कैंसिल कहेगा। बच्चे लोग को पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, कुछ करना चाहिए ना। हाँ मैं बताऊँ। बोल बोल। दिवाली। हाँ दिवाली। क्या बात है आज बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम लोग। जंगल आज पिक्चर का प्रोग्राम है। अच्छा 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 पिक्चर का प्रोग्राम है। हाँ
जानते नहीं बच्चों को पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। हा? राजा किधर है? किधर है? नहा रहे हैं। नहा रहे? क्यों, कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, हाथ मुंह धो रहे हैं। हाथ मुंह धो रहे हैं, वही मैं बोलूं, ये नहाने की आदत उसको कब से पड़ गई। डब्बू जा पानी लेके आए ग्लास। जा। जाता हूँ जाता हूँ। मोटू जरा माचिस तो ला। लाता हूँ। ये लो चच्चू अंकल। ये लो चच्चू अंकल। क्या बात है, आज बड़ी शराफत से तुम लोग काम कर रहे हो। हाँ ठहरो। चलो जला। मैं जला। Romeo? Romeo? मैं जानता था तुम कोई ना कोई बड़ा लफड़ा जरूर करोगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता ना, और बेचारा बूढ़ा आदमी उसका खून बह रहा है और तुम एक्सीडेंट करके जा रही हो। शराब बात करनी है तो तुम इससे करो। रोमियो आर यू ओके? कुत्ते की जान आदमी की जान से ज्यादा प्यारी तुम्हें। उतार। अरे उतार। सच में? क्या? डोंट टच मी। छोड़ो मुझे। चलो और बाबा से माफी मांगो। मैं से माफी मांगूंगी? ये लोग देखकर क्रॉस नहीं कर सकते, ये दो कौड़ी का आदमी और मैं से माफी इम्पॉसिबल। तुम इससे माफी भी मांगोगी और सामान भी उठाकर ठेले में रखोगी। तो बेटा मेरे लिए क्यों झगड़ा मोल रहे हो? बाबा जब तक इन अमीरों के भेजे में घुसी हुई दौलत की गर्मी को नहीं निकाला जाएगा तब तक ही हम गरीबों पर गाड़ियां चढ़ाते ही जाएंगे। लेकिन आज मैं इस अमीरजादी के गुरूर और घमंड से उठे हुए सर को तुम्हारे पैरों में झुका के रहूंगा। चल माफी मांग। बाबा ये लो 300 रुपए आपके नुकसान के लिए और ये 200 मेरे गाड़ी की डेंट के लिए। पकड़ो। सुनो ये लो 100 रुपए और ये जो तुम्हारा कीमती ड्रेस पड़ गया ना उसे सिलवा लेना। ये लो बच्चों। पिक 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 पिक। उसने मेरी बेइज्जती की, मुझ पर हाथ उठाया और मेरा पर्स छीनकर उसमें से पैसों की चोरी की। अब यह आपकी ड्यूटी है कि उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। I want him arrested at any cost. तुम फिक्र मत करो रेनू बेटी, अगर वो बिच्छू है तो इंस्पेक्टर साहब बात से कम नहीं है। आप उसका नाम और हुलिया बताइए, फिर देखिए क्या करता हूँ मैं। उसका नाम है राजा, शक्ल से तो गुंडा लगता है। इंस्पेक्टर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसे नहीं पकड़ा तो मुझे हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा। रिमेम्बर दिस। साहब यही राजा है, बंद कर दो इसे। अरे लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? लड़कियों को छेड़ता है, छोड़, उन पर हाथ उठाता है, जबरदस्ती उनके पर्स से पैसे निकालता है और पूछता है जुर्म क्या है। ले जाओ इसे। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरे घर पे बच्चे अकेले हैं। बच्चे हैं पर लड़कियों को छेड़ता है, बंद करो। अरे पहले ये तो सुनो क्या हुआ था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब। चाचा नहीं आए? नहीं रात को भी नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। हाँ बहुत भूख लगी है यार। चल अरे ब्रेड तो नहीं है।
जाता हूँ। ये डब्बू कहाँ गया? कहाँ गया? छोटू, छोटू दूध पिएगा? हाँ। चार दो ग्लास लेके आ। क्या? मैजिस्ट्रेट का मूड अच्छा था, छोड़ दिया तुझे, वरना सीधे 6 महीने की लगती थी। अगर बच्चों का ख्याल नहीं हो। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, छोटो को बुखार हो गया, तो ऊपर चल, मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। क्या हुआ उसे? ये पट्टियाँ, क्या हुआ उसे? चाचा, छोटू के पैर पर गरम दूध गिर गया, कल से बुखार भी है इसे। छोटू, फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ। चाचा, तुम कहाँ चले गए थे? चाचा, हम लोगों को अकेले में डर लगता था। कमाल का आदमी है तू, 3 दिन से बच्चों को अकेला छोड़ के कहाँ गायब हो गया था? इनकी कोई फिक्र है तुझे? अगर कोई सीरियस बात हो जाती तो? बड़ी मुसीबत में फंस गया था यार, ना मैं आ सकता था, ना कोई खबर भी जा सकता था। उस अमीर बददिमाग लड़की ने मुझे लॉकअप में बंद करवा दिया था। क्या? कंग्रेचुलेशंस, आज से सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस की मालकिन तुम हो। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस सिस्टर, कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो बेटी, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे छोड़ो उसे, क्या चमगादड़ की तरह बच्ची को चिमट गई हो, जा यहां से। मुबारक हो रेनू बेटी, आज भाई साहब की बरसों की मुराद पूरी हो गई, और मैं भी आखिर कब तक इस कारोबार को संभालता? अब ये सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं तो परसों के फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रही हूँ, मेरा टिकट हो गया है ना? टिकट का क्या है, वो तो कैंसिल भी हो सकता है। रेनू बेटी, तो तुमने वापस जाने का इरादा कर ही लिया? हाँ अंकल, आप तो जानते हैं, मैं तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आई थी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे हाँ, मुझे तुमसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बातें करनी थी, अगर थोड़ी देर के लिए अलग बैठ सकें तो। अलग? क्यों नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं अंकल, मैं इनके साथ दूसरे कमरे में बात कर लेती हूँ। आइए बेटी। ये टेक्निकल पॉइंट क्या है? चुप कर, सोचने दे, सोचने दे कि आखिर ये वकील रेनू के कान के पास मक्खी की तरह क्यों भिनभिना रहा है? आखिर ये चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ तुम खुद कुछ दिन यहाँ रहकर अपने कारोबार में दिलचस्पी लो, अकाउंट्स वगैरह खुद चेक करो। लेकिन ये सब देखने के लिए अंकल जो है। मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश करो बेटी। पैसे का लालच एक ऐसा भंवर है जिसमें ईमानदारी, दोस्ती, रिश्तेदारी सब डूब जाते हैं। मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है, कहीं ना कहीं इस कारोबार को दीमक लग चुकी है, अगर उसे रोका ना गया ना तो कुछ नहीं बचेगा। सेठ जी, मेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 3 बजे। 3 बजे? परकुटे, कान खोलकर सुन ले, ये घड़ी तेरी नहीं, मेरी है। कुत्ते की तुम की तरह जब देखो टेढ़ी बात ही करता है। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अरे परेशानी की बात तो है, देखता नहीं बेबी 2 दिन से कंप्यूटर लेकर ऑफिस में घुसी पड़ी है, अगर अपना लेखा जोखा खुल गया तो। आपकी पोल कौन खोल सकता है सेठ जी? अरे तू नहीं जानता इस कंप्यूटर को, बंदर की खोपड़ी की तरह तेज होता है, बटन दबाते ही आगा पीछा सामने आ जाता है। आगा पीछा? सेठ जी, क्या है? ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हां ठीक है, तुम जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? लाला ने भेजा है, 2 दिन के अंदर उन्हें अपना 2.5 लाख रुपया चाहिए। 2.5 लाख रुपया 2 दिन के अंदर? 3रे दिन की मोहलत नहीं मिलेगी, और तुम तो जानते ही हो कि अपना रुपया किस तरह वसूल करते हैं। नमस्ते, जाता हूँ। इतना सारा रुपया और इतनी जल्दी मरकुटे? बच गई सेठ जी, बच गई। जाइए जाइए जाइए। जाता हूँ, डरता थोड़ा किसी से। हेलो बेटी। आई अंकल। गुड आफ्टरनून। ये तुम क्या हिसाब किताब में उलझी हुई हो? अंकल, मैंने अभी पिछले 2-3 महीने के अकाउंट्स ही देखे हैं, कुछ 15 लाख का हिसाब मिसिंग है। ये रुपया कहाँ खर्च किया गया? कोई एंट्री भी नहीं है। रेनू बेटी, चलते फिरते बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिनका हिसाब रखना थोड़ा मुश्किल है, कभी कोई चैरिटी, कभी कोई डोनेशन, ये दया धर्म के बहुत से ऐसे काम है जिनका हिसाब रखना तो अच्छा नहीं लगता है। आपका मतलब 15 लाख रुपए आपने दया धर्म के काम में खर्च कर दिए, जबकि मुझे ये भी पता चल गया है कि स्टाफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पिछले महीने की पेमेंट्स अभी तक नहीं दी गई हैं। वो दूसरे पेमेंट्स का लोड इतना ज्यादा बढ़ गया था। मैं जानना चाहती हूँ
कि वो दूसरे पेमेंट्स कौन से हैं, कहाँ है उनका हिसाब, कहाँ है उनके बिल्स, उनकी रसीदें। मैं अभी देखता हूँ बेटी। अंकल मुझे दो दिन के अंदर इन 15 लाख रुपयों का हिसाब चाहिए और आगे से बिना मेरी परमिशन के कोई पेमेंट्स नहीं होंगी। यही इंस्ट्रक्शंस मैं बैंक्स को भी भेज रही हूँ। ठीक है। वैसे बेटी तुम्हारा कल के प्लेन का टिकट आ गया है। कैंसिल कर दीजिए, मैं भी नहीं जा रही हूँ। ये लो मेरे सारे जेवर। रख दो। ये दिन भी देखने थे, इसीलिए तो कहती थी अपने लिए कुछ अलग बना के रखो, लेकिन मेरी तो कोई। ये मेरी तेरी बंद कर। ये वक्त मेरी तेरी करने का नहीं है। लाला का आदमी आता होगा, 2.5 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा? घड़ी के कुछ तो मिलेंगे, क्या लगता है? लेकिन सेठ जी ये घड़ी तो मेरी है, अगर मैडम ने पूछ लिया तो। पूछा तो भैंस की पूछ की तरह गर्दन हिलाकर मक्खियां उड़ाते रहना और चुप रहना, समझे? यानी भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पुगलाए। हाँ। क्या आदमी है तुम? हाँ। चूड़ियां भी उतारो। चूड़ियां भी और ये भी। ये मंगलसूत्र है। अरे मैं नहीं रहा तो मंगलसूत्र किस काम का, उतारो। जैक व्हाट आर यू डूइंग? अब जुआ खेलने के लिए मम्मी की सारी ज्वेलरी उतार रहे हैं। बड़ी बात। और मम्मी तुम चुप हो, यू मस्ट रिवोल्ट। चुप गधे की औलाद, कौवे की तरह काए काए कर रहा है, एक चांटा दूंगा तो चीते की तरह चित हो जाएगा। हेलो पीछे हटो। हेलो भगवती स्पीकिंग। हसमुख भाई कैम छो? 5 लाख रुपया? नहीं नहीं आज आदमी मत भेजो, आज नहीं हो सकता। अच्छा मैं करता हूँ चट्टी दादा, मैं वापिस फोन करता हूँ। चट्टी दादा को भी आज ही आना था। आओ शेट्टी दादा, आइए आइए शेट्टी दादा, मरगुटे दा ठंडा तो लेकर आओ। दादा बैठो ना, बैठो ना। शेट्टी दादा बैठने को नहीं आया। कोई बात नहीं दादा, खड़ा होकर ठंडा पिएगा। ठंडा पीने को भी नहीं आया, तुमको ठंडा करने के लिए आया। क्या क्या कह रहे हो भाई? ये चेक तुम्हारा नहीं है, कागज रद्दी का टुकड़ा है। बाउंस। अगर कल रात तक दादा का पैसा नहीं पहुंचा तो तेरे को टुकड़े टुकड़े करेगा। अलग ढाई, चेटी का 3, हसमुख भाई का 5। क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंकल ये आप इतनी सुबह मेरी बोट में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो मॉर्निंग वॉक पे चला था, सामने नजर आ गई, देखने के लिए रुक गया। कैसी कैसी चीजें बनाते हैं आजकल, हमारे जमाने में तो भैंस पर चढ़कर नदी पार किया करते थे। चलिए हटिए, मुझे देर हो रही है। हाँ बस अच्छा अच्छा, संभल के जाना, ध्यान से बेटी, ध्यान से जाना बेटी, ध्यान से। ठीक है समझ में नहीं आई जीजा जी, मरगुटे मतलब सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई कि ये मैडम अचानक अमेरिका कैसे चली गई। मरगुटे तू मेरा नौकर है, अपनी अपनी किस्मत है, होना तो आपको चाहिए था। क्या मेरा मतलब नौकर? हाँ ये छानबीन की आदत छोड़ दे, वक्त देखकर बात किया कर। तो मेरी घड़ी वापस कर दीजिए, मैं वक्त देखकर बात करूंगा। मैडम ने भी यही कहा था। मैडम 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 लगा रखी है। जाजी 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 वकील अंकल आए। अरे ये बेवक्त का मुर्गा कुकड़ू कू करने क्यों चला आया, कहाँ है? वो है वकील साहब। आइए आइए वकील साहब, कैसे आना हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट पेपर साइन कराने थे। मुझसे? नहीं आपसे नहीं, रेनू बेटी से। बेबी तो वापस अमेरिका चली गई। क्या कह रहे हैं आप, बिना मुझे बताए कैसे चली गई? हाँ उसकी वो एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था अमेरिका में, फोन आया और फोन सुनते वो चली गई। मैंने काफी रोका लेकिन आजकल के बच्चे किसकी सुनते हैं। खैर अगर उसका कोई फोन आए, आप उसे फोन करें या चिट्ठी लिखें,
तो प्लीज कह दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पेपर साइन कराने बाकी रह गए। हाँ मैं जरूर कह दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, आई गॉट अनदर अपॉइंटमेंट। अच्छा जी। कौन हो तुम लोग, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम समंदर में डूब रही थी, हमारे लोग तुम्हें बचा लाए। क्या, मैं डूब रही थी? घबराओ नहीं बेटी, ये दूध और हल्दी पी लो। जी जी जी, दूर हटो, यू स्मेलिंग ऑफ फिश। ये जगह कितनी गंदी है, और तुम लोग नहाते नहीं हो क्या? लो दिमाग तो देखो इसका। ये पाया, एक तो जान बचाई, उसका ये बदला, तेवर तो देखो महारानी के। डोंट टच मी। क्यों, मैली हो जाएगी क्या? ये कपड़े जो पहने हैं ना, वो भी हमारे हैं। ज्यादा चाची की ना तो उतार लूंगी। हाँ शट अप, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारा कहाँ है घर? हम खबर भिजवा देंगे, तुझे घर वाले तेरे को लेके जाएंगे। मेरे घर वाले कौन है? मेरे घर वाले इतर अपना घर वाला भी ना पहचानती है। तुझे नाम याद है कि वो अभी भूल गई? नाम, मेरा नाम है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। हाय दया, इसको अपना नाम भी याद नहीं है। लगता है इसे भूत प्रेत लग गया है। कहीं इस लड़की के चक्कर में आकर हम लोग मुसीबत में ना फंस जाएं। हाँ ठीक है, मेरी मानो तो इसे पुलिस थाने पहुंचा दो। डॉक्टर मुझे ऐसा क्या हुआ है कि मैं अपना नाम तक भूल गई हूँ? एमनीजिया, आपकी याददाश्त चली गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आप ठीक हो सकती हैं। तो फिर कुछ करो डॉक्टर, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट, आखिर मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? देखिए मैडम, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कंप्लीट रेस्ट, आराम, समझी? ये जगह आराम करने लायक है? ये टूटा हुआ सोफा, ये देखो ये गंदा फर्श, और फिर यहाँ एसी भी नहीं है, और ये पंखा, इसकी आवाज सुन रहे हो? ऐसे चलता है जैसे जैसे वो जैसे बैलगाड़ी चलती हो। करेक्ट। तुम कुछ अकलमंद लगते हो। थैंक यू। क्या सबूत है? शट अप। देखिए आप रिलैक्स कीजिए, और आप लोग इनका पूरा पूरा ख्याल रखिए, इन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर यस, जरा आप मेरे साथ बाहर आइए। जी चलिए। देखिए इस लड़की की याददाश्त चली गई है जी, आप लोग इसके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव कीजिए, वरना टेंशन में ये लड़की पागल भी हो सकती है। ओ जैसा कहे वैसा कीजिए, जो मांगे दीजिए। वैसे लगता है लड़की कोई बड़े घर की है। अरे काहे के बड़े घर की लड़की, पिछले 3 दिनों से यहाँ पड़ी हुई है, किसी ने खबर तक नहीं पूछी, हमने तो सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन दे दी है। हाँ। मुझे तो लगता है उसका कोई है ही नहीं। क्या सबूत है? तू सबूत सबूत। देखिए डॉक्टर साहब, ये लड़की का मामला है, उसे यहाँ ज्यादा दिन के लिए हम रख नहीं सकते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी साइकेट्रिक वार्ड में शिफ्ट करवा दूंगा। हाँ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ हर। ओ साहब, ये साइकेट्रिक वार्ड क्या होता है? अब हमें क्या लेना देना, चल। साहब क्या वो सचमुच पागल भी हो सकती है? कहाँ है? तुम लोग मेरे पीछे पीछे चक्कर क्या काट रहे हो? जाओ अपना काम करो। जाओ जाओ जाओ। मैडम आप थक गई होंगी, आप अंदर जाकर लेट जाइए। मैं लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ तुमसे मतलब? अरे हाँ, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आऊँ? मैं इंस्पेक्टर हूँ मैडम। क्या सबूत है? मैडम के लिए जाकर एक ग्लास पानी लेकर आ। जी वो मैं हवाला। और सुनो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए चाइनीज फूड और जूस लेकर आओ। चाइनीज फूड? इसने पुलिस स्टेशन को चाइना टाउन समझ रखा है। चाइना टाउन? ओह मटकू आ गया। हां मटकू, मटकू ये मुझे दे दे, तेरी शक्ल देखते ही मैडम भड़क जाएगी। जा तू जा। आहा आ गया मैडम, आपका खाना आ गया। ये खाना मैं खाऊंगी। मैं? तुम लोगों का दिमाग खराब है। तुम लोगों को पुलिस में नौकरी किसने दी? टेक इट अवे। क्या लड़की है, आपको इतनी बुरी तरह से डांट दिया? अरे ऐसा तो मेरी बीवी ने भी मुझे नहीं डांटा। कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर खुली हवा में, अंदर मेरा दम घुटता है। दम घुटता है, क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो तो भाग रही है। पकड़ो साहब, साहब लड़की भाग गई। क्या सबूत है? चुप रहो, जब पकड़ो पकड़ो। अरे जल्दी करो, भागो भागो, पकड़ो उसे, भागो। रुक जाओ मैडम, रुक मैडम, मैडम रुक जाइए प्लीज। मैडम सुनिए तो सही, दूर हटो, न
नजदीक मत आना। नहीं मैडम, हाथ मत लगाना, हटो, पीछे हटो। ए प्लीज प्लीज लिसन टू मी, हटो, अबे हटो, मैंने कहा ना हाथ मत आना। अबे हट, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैडम को कोई चोट नहीं आई। चलिए मैडम, डोंट ट्राई टू टच मी, अंडरस्टैंड? समझ गया समझ गया। ए तुम समझे या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुजरिम को भागने का पूरा मौका दिया। लिसन, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं, ये है। भाई साहब, ये किसको घेरा हुआ है? एक लड़की है, हंगामा मचा रखा है सारे इलाके में। समंदर में डूब रही थी, मछेरों ने बचा लिया। इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, ना नाम ना पता, कुछ भी याद नहीं। हाँ, उसको पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया था। आज 3-4 दिन हो गए, कोई लेने ही नहीं आया उसे। चलिए ना मैडम। मैंने कहा ना मैं नहीं चलूंगी। मैडम देखिए ना, आपकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है पब्लिक को, ट्रैफिक दोनों तरफ रुका हुआ है। आप चलिए ना, आप जो चाहेंगी वो आपको मिलेगा, यहाँ तक कि चाइनीज फूड भी आपको मिलेगा। प्लीज ओके चलो। हे भगवान, तेरे अंधेर है, अंधेर नहीं। अब मैं इस अमीरजादी को सिखाऊंगा गरीबी क्या होती है, इंसानियत किसे कहते हैं, शराफत क्या होती है। ठीक है, तुम उसे ले आओ, हम सब तैयार है। चाचा चाचा, अबे डब्बू चाचा नहीं, पापा, समझे? क्यों? समझ गए चाचा। फिर चाचा? नहीं नहीं, पापा पापा। हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे ये ड्यूटी पे भाग रहे हैं, ड्यूटी से भाग रहे हैं। अरे अरे होल्ड साहब, होल्ड साहब, होल्ड साहब, अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बाहर जा रहा हूँ? अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, जरा बात तो सुनिएगा। देखो, बात सुनने और कहने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑरेंज जूस लेने जा रहा हूँ, हटो। अरे ऑरेंज जूस की क्या जरूरत है, एक ग्लास सादा पानी से काम चल जाएगा सर। अरे तुम्हारे लिए नहीं, मैं एक आफत के लिए ऑरेंज जूस लेने जा रहा हूँ, हटो। तभी इससे बात कीजिए, जिस आफत के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? जी हाँ। सच? अरे मैं क्या अपनी बीवी के बारे में झूठ बोलूंगा, राज हमेशा सच बोलता है। क्या सबूत है? सबूत नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो तुम्हारी बीवी है? क्या नाम है उसका? नाम मेरा नाम क्या है? राजा। तो वो मेरी रानी? रानी? हाँ। एक मिनट, एक मिनट। तभी तो उसकी चेन में ये आर लगा हुआ है। देखा, आर फॉर रानी। और ये कपड़े? अरे हाँ, ये तो उसी के कपड़े हैं, जब वो फिशिंग में जाया करती थी तो यही कपड़े पहन के जाया करती थी। अच्छा, ये लो सब उसका सामान। ठहरो, पहले तुम अंदर चलो और पहचानो उस दीवानी को। मिल गया साहब, मिल गया, रानी का राजा मिल गया। रानी का राजा? जी साहब, सारे सबूतों के साथ लाया हूँ। ये राजा है और वो इसकी रानी है, जिसके कारण हम सबको परेशानी है। तुम उसके पति हो? यस यस, मैं उसके पति हूँ। वो तो रानी लगती है मगर तुम राजा। ठीक है, अपना क्या। हवलदार! यस सर। आंटी को बुलाओ। आंटी? अरे यार, रानी को बुलाओ। जी। इडियट। ओ रानी, मेरी रानी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर नदी, हर नाला, हर किनार, हर। रुक जाओ, कौन हो तुम? रानी, मैं तुम्हारा राजा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति हूँ। डोंट टॉक रबिश, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी नहीं हुई। रानी, ये तुम्हें, हे भगवान, रानी मेरी तरफ देखो, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरी मूरत, मुझे पहचानो, हमने प्यार किया है, शादी की है। प्यार, शादी, वो भी तुम जैसे आदमी से? इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये इंस्पेक्टर, ये खाली है या भरा हुआ? मैडम, ये भरा हुआ है और इसमें छह गोलियां हैं। क्या सबूत है? चुप रह। अच्छा ये बताओ, हम पहली बार कब मिले थे? तो तुम ये भी भूल गई, तुम हमारी पहली मुलाकात भी भूल गई। हे भगवान, अब क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? अरे जल्दी बताओ भैया, वरना गोली चल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस हसीन मुलाकात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरे चराने मेरे खेतों के पास आ करती थी। एक दिन तुम्हारी गाय ने मेरी फसल खा ली, मुझे आया गुस्सा और मैंने तुम्हारे गाल पर कसकर तमाचा दे मारा। बस तभी हमारा प्यार शुरू हुआ इंस्पेक्टर साहब। तुम मुझे तमाचा मारो और मैं तुमसे प्यार करूं? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसे बाहर निकालो
वरना मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। मैडम शांति शांति, आप यहाँ बैठिए ना प्लीज, आप यहाँ पर बैठिए, मैं इनको निकालता हूँ। आप यहाँ पर आइए मिस्टर राजा, वी आर टोटली हेल्पलेस। अगर यार तुम अपनी पत्नी को ये यकीन नहीं दिला सकते हो कि तुम उसके पति हो तो यार यहाँ से निकल जाओ, हम लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? या तो फिर कोई ऐसी बात बताओ जो जो, जो, जो सिर्फ एक पति ही जानता है। कोई निशान, कोई निशानी? सिर्फ एक पति जानता हो? हाँ याद आया, क्या? इसके पीक पर थोड़ा सा नीचे एक काला निशान है और ये बात सिर्फ एक पति ही जान सकता है, यानी कि मैं। साहब साहब सबूत मिल गया। वो तो मिलना ही था। अब सबूत हमें नहीं मैडम को चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी आ गई। देखा मैं कहता था ना कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, अब तो यकीन आ गया। चलो घर चलो, घर चलकर तुम्हें सारी बातें फिर से याद आ जाएंगी। चलो इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे। भगवान अब आपका भला करे, आप जो अब इन्हें ले जा रहे हैं। ओके बेस्ट ऑफ लक। चलो 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 चलो। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी जोड़ी है। क्या सबूत है? तुमने मुझे तमाचा मारा और हम दोनों का प्यार हो गया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, ये दिल की बात है मैम साहब। दिल की बात? दिल की बात, दिल जाने कब रूठे कब माने। दिल की बात, दिल जाने कब रूठे कब माने। प्यार हुआ कैसे हुआ क्या जाने दीवाने। एक लड़का लड़का।
समझ में नहीं आता। प्यार करो ना डिस्को की वो शाम, बैठे थे हम तुम भर के गुलाबी, कुछ तो जवाब कभी नशा था, ऊपर से बोतल में की खराबी, खराबी कुछ खराबी, और हम तुम हो गए तुम फिर कैसे आ गया है। तुम यहाँ रहते हो? तुम नहीं, हम यहाँ रहते हैं। इस राजा और इस रानी का यही महल है। नहीं, something's wrong, ये नहीं हो सकता। Nothing is wrong, हो सकता है मैडम। चलो आओ, आओ अंदर। अरे तुम रुक क्यों गई? हम यहाँ रहते हैं। हाँ, ये हमारा घर है। असली आराम तो घर आने के बाद ही मिलता है। This dirty, filthy place is our home. Dirty? ओ हाँ, अब तुम कुछ दिनों के लिए थी नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा डर्टी हो गया है, वरना तुम कितना साफ रखती थी इस घर को। मैं सब सफाई करती थी। हाँ, हम लोगों के पास कोई नौकर नहीं है। नौकर? ये तुम्हें क्या हो गया रानी? अबे, छोटे मोटू, ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? देखते नहीं तुम्हारी मम्मी आई है। मम्मी? हेलो मम्मी, कैसे हो मम्मी? ये मेरे नहीं है। अरे मैंने तो सोचा था तुम मेरे फौरन पहचान लोगी। ये मोटू मस्त रहा, खा पी के एकदम खुश रहने वाला। और ये छोटू, अरे तुम तो इसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। मम्मी अब तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? तुमने ये भी नहीं सोचा मम्मी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अम्मी समुंदर में कूद के अपनी जान दे देते। बस बस बस, मम्मी आ गई ना, अब बोटिंग पर कभी नहीं जाएगी। देखा कितना प्यार करते हैं ये तुमसे। एक सेकंड, अगर ये हमारे बच्चे हैं तो इनकी शक्ल मुझसे या तुमसे क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती? क्योंकि ये अपने नाना नानी पे गए हैं ना। मेरे दो दो बच्चे हो गए और मैं, मेरी फिगर? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं दो बच्चों की माँ नहीं हो सकती। दो? हाँ, और डब्बू सबसे बड़ा? डब्बू सबसे बड़ा? डब्बू, अरे डब्बू। हेलो मम्मी, वेलकम होम। ये भी मेरा है। हाँ तुम्हारा है। मम्मी कैच। ये कितने साल का है? 10 साल का। तुम कितने साल के हो? 24 साल का हूँ। मैं कितने साल की हूँ? 23 साल की। मतलब जब ये पैदा हुआ तो तुम 13 साल की थी। दरअसल में हमारी शादी। अरे मम्मी है, फ्लैट फ्लैट। अरे मम्मी को कांदार कोल्हापुरी चप्पल सुगाओ। ले ये वाला भी ले। अबे ओए, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी नहाने जा रही है, उसी की तैयारी है। और ये बर्फ? टैंक पर डालने के लिए। ठंडे पानी से नहाएगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मिस्टर राजा, मिस्टर राजा, मी मिस्टर राजा, डार्लिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। राजा कहो या तुम चाहो तो मुझे
डियर राजा भी कह सकती हो। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरे कपड़े कहाँ है? कपड़े? हाँ हाँ हाँ, और तुम्हारे कपड़े वो दूसरे कमरे में, इस रूम में। मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने? इसकी क्या जरूरत है, अच्छी भली साफ सुथरी तो हो। क्या? अब मैं मतलब जाओ, जरूर जाओ। लेकिन मेरे कपड़े? अरे तुम नहाने तो जाओ, मैं कपड़े ला देता हूँ। जाओ 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 जाओ, नहाओ नहाओ नहाओ, कपड़े 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 कपड़े। बंद कर दिया। हाँ, कर तो दिया, लेकिन कपड़े कहाँ से लेके आऊँ? मेरे चलेंगे। हट, सुनो, जब तक मैं लौट रही हूँ तब तक इसको निलाते रहना। हाँ, हाँ। अच्छा चाहता हूँ। क्या हुआ मम्मी? कुछ चाहिए? पानी बहुत ज़्यादा है। तुम नहाओ मम्मी, थोड़ी देर में अपना आप ही गर्म हो जाएगा। लगता है चाचा को आने में देर लगेगी, तू जाकर पानी स्लो कर दे। हाँ मैं जाता हूँ। अरे छोटू, ये पानी स्लो क्यों हो गया? मम्मी यहाँ यही चक्कर है, कभी स्लो होता है कभी फास्ट। अरे साहब कौन से कपड़े चाहिए, नाप तो बताइए। अरे कोई सा भी नाप चलेगा। चाचा आ गए। नहीं वो देखो, वो टप्पू, तेज करके जल्दी वापस आ जा। रानी हाँ, ये लो कपड़े। पानी ठंडा था क्या? हाँ बहुत ठंडा था। क्या हुआ? मम्मी तो चीखी थी। चीखी थी? हाँ। ये मेरी ड्रेस नहीं हो सकती, इतनी ढीली ढाली मेरे जैसी दो इसमें आ सकती है। ये दो के लिए तो बनाई गई थी, याद है जब मोटू पैदा होने वाला था उस वक्त तुम बलून की तरह फूक गई थी, तुम और मोटू, मोटू और तुम, ये उस वक्त की तो ड्रेस है। उस वक्त की? लेकिन ये छोटी भी तो है। उस वक्त तुम छोटी थी, जब मोटू पैदा होने वाला था उस वक्त तुम 15 साल की थी, अब उम्र के साथ साथ लंबाई भी तो बढ़ेगी ना। मैं मोटी थी और छोटी भी थी। अब तुम ये छोटी मोटी बातें भूल जाओ और खाना पकाने की तैयारी करो। खाना? खाना मैं पकाऊंगी? हाँ, शाम होने वाली है, 8 बजे से ये लोग खाना बनाना शुरू कर देंगे। अरे जाओ, और सुनो तुम लोग, खेत से भाजी तोड़कर लेके आओ, खेत से भाजी तोड़कर लेके आओ, जाओ। अरे हाँ, मुझे भी तो जीप का कंप्यूटर साफ करना है। अरे सुनो, मुझे खाना पकाना नहीं आता। करूं। ये तुम क्या उल्टा सीधा कर रही हो? बच्चे वहां खाने के लिए शोर मचा रहे हो और तुम? मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या करूं? खाना बनाओ। मुझे नहीं आता। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम तो हमें कितने अच्छे अच्छे डिश बना के खिलाया करती थी, और तुम कह रही हो कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। शायद मैं भूल गई हूँ, जैसे और सब कुछ भूल गई हूँ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन कल से तुम्हें को सब कुछ करना पड़ेगा। वो मैं तुम्हारे लिए वो खाना बनाने की किताब ला दूंगा, उसी से पढ़कर सब कुछ सीख लेना, ठीक है? हाँ सुनो, तुम ये कढ़ाई गैस पर रखो, तेल गरम करो, जब तक मैं भाजी काट के लाता हूँ। डब्बू। हाँ पापा। चाकू किधर है? वही टेबल पर है। इसे कैसे जलाते हैं? नॉब घुमाओ गैस का और माचिस से जलाओ, सिंपल। माचिस? क्यों वहां चल गया? डब्बू बंडवा किधर है? चलो चलो चलो, मैंने कहा। ये सब क्या है? हाथ जल गया था ना मम्मी का, अब ठीक है।
देखो कैसे चुप है। हाँ चुप तो है, चलो कहीं और जाके खाना खा लेते हैं। चलो बाय मम्मी। अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्लब जा रहा हूँ। क्लब? हाँ वो तो मैं रोज जाता हूँ। रोज? लेकिन किस लिए? ड्रिंक्स के लिए। ड्रिंक्स? देखो मैं दिन भर काम करता हूँ, रात को मेरी कुछ पर्सनल जिंदगी है, कुछ डांस एंटरटेनमेंट, तीन चार पैग से सारी थकान दूर हो जाती है, समझी? सुनो अब क्या है? देखो ये क्लब जाना जरूरी है क्या? मैं घर में हूँ, बच्चे हैं और देखो तो... रानी इस बात का फैसला हमारी शादी की पहली ही रात को हो गया था, मैं कहीं पे भी आ जाऊं तुम कुछ पूछोगी नहीं। मैं कुछ नहीं पूछूंगी। नहीं चाचा। ये चाचा क्या लगा रखा है, साफ क्यों नहीं कहता तुझे चॉकलेट चाहिए? हाँ हाँ चॉकलेट। पापा रीटा आंटी को मेरा हेलो कहना। मेरा भी। हाँ कह दूंगा। ये रीटा कौन है? कैबरे डांसर। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो गई तो नाराज हो जाएगी, बच्चों का ख्याल रखना। बाय बाय। चलो माइकल तेरा ये ऑर्डर भी पूरा हो गया, चलता हूँ। हमेशा जल्दी में रहता है तेरा। छोड़ ना यार, पैसे बाद में ले लूंगा। अरे सुन तेरी दारू की बाटली किधर है? दारू? दारू का तुम क्या करेगा, मैंने तुम पीता तो है नहीं। तू देना यार। ये ऑफिसर्स चॉइस, तेरा भी स्टाइल है माइकल। ये क्या करता मैं? छोड़ ना यार, तू नहीं समझेगा। अरे चल दो बाय। अजीब आदमी है। दिल की बात दिल जाने कब्र उठे। रानी रानी उठो। क्या है तुम शराब पीकर आए हो? वो तो मैं रोज ही पीता हूँ। चलो चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम अपनी जगह जाके सो जाओ। अपनी जगह? नीचे। मैं यहाँ नहीं सोती। हाँ नहीं। कब से? छोटू के पैदा होने के बाद से। ये तुम्हारा ही तो फैसला है, तुम्हीं ने तो कहा था कि चौथा नहीं चाहिए, फिर मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जहाँ तीन है चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। नहीं, नहीं। तो फिर चलो। ये है तुम्हारा बेड। ये इतना गंदा टूटा फूटा सोफा, मैं यहां सोती हूँ? इतना बुरा भी नहीं है। हाँ हम कितने गरीब हैं। गरीब है तो क्या हुआ, इस घर में प्यार तो है। देखो डब्बू मोटू छोटू ये सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा। अच्छा मुझे नींद आ रही, तुम भी सो जाओ। Thank you.
तुम्हारी जगह नीचे नहीं, यहाँ है। छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है। छोटी
सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है। रानी उठो, सुबह हो गई है। मुझे सोने दो। अरे बच्चों को स्कूल जाना है, नाश्ता नहीं बनाना है क्या? नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, सोती रहो, मैं तो जा रहा हूँ काम पे। लेकिन सोच लो कि अगर बच्चों को नाश्ता नहीं मिला तो वो स्कूल नहीं जाएंगे, और अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। दिन भर मेरे साथ रहेंगे? हाँ। नहीं। मम्मी, मेरे टिफिन में जरा ज्यादा खाना, स्कूल में भूख बहुत ज्यादा लगती है, और मुझे जरा ज्यादा मस्का लगा के। ये क्या, ये नाश्ता? पापा ये देखो ऑमलेट। खा ले बेटा खा ले, मम्मी आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता बनाना सीख जाएगी। मम्मी आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता बनाना सीख जाएगी। ये ले खा ले छोटू। जल्दी करो ना मम्मी, हमारी बात। हाँ हाँ पहले खा लो ना। नहीं है, हम साथ ले जाएंगे। मेरा बैग? हाँ, और मेरा? हाँ ये लो छोटू। ये सब चक्कर क्या चल रहा है? हाँ उधर क्या चल रहा है चक्कर? ये मम्मी 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 ये लो चचू अंकल, तुम जब भी आते कुछ खाती ही नहीं हो। हाँ लो, मेरा भी लो लो। लेकिन ये राजा तुम लोग के लिए मम्मी कहाँ से लेकर? बच गई, बच गई। हाँ बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है ना। है? हाँ बच गई, उसी ने तो बचाया है। किसे बचाया है? हाँ शायद ये बच्चों का प्यार था या मेरी किस्मत थी जो आज रानी जिंदा है। बस समझा करना यार। अरे लेकिन ये तो वो आई जो तेरी भाभी खो गई थी ना, अब आ गई है। अब चुप बैठ। अरे तुम चुचू को इस तरह क्यों देख रही हो, पहचाना नहीं? अरे मेरा यार, मैं तो समझता था कि तुम दुनिया की सारी चीजें भूल सकती हो, लेकिन चुचू को नहीं भूल सकती, क्योंकि चूचू नाम ही इतना म्यूजिकल है। चूचू चूचू चूचू। अच्छा आज मुझे जरा देर हो रही है, ये मैंने तुम्हारे दिन भर के कामों की लिस्ट बना दी है, आज ये सब काम कर देना। चल चूचू। ये कैसी जिंदगी है, लगता है मैंने सोच समझ कर शादी नहीं की। अच्छे से खा नहीं सकते, राजा भी ऐसे ही है। Thank you.
नेकलेस डाल दिया था। बोलो। भूत नहीं है मम्मी, ये मम्मी आराम कर रही है। आंखें तो खुली है, मुंह भी खुला है। क्या हुआ मम्मी? अरे वही तो कर रहा हूँ, आटा नहीं छुट्टू आटा। लगता है मम्मी को भूख लगी है, तो चल मम्मी को मूंगफली खिलाते हैं। तो देख मेरा निशाना। आ आ आ चल हट, अब मेरी बारी है। ये 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 गया। चल मोटू तेरी बारी, मैं अपनी मूंगफली नहीं दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है? नहीं नहीं, मम्मी को भूख लगी है। भूख लगी है? आता ता ता ता। लगता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वाकई आजा 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 आजा, देखो 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 हेल्प हेल्प, मैं डूब जाऊंगी। मेरी बोट बोट, मैं डूब जाऊंगी। मेरी बोट। ये तुम्हें क्या हो गया? ये बोट नहीं, ये ड्रम है। ये छोटू, ये मोटू, ये डब्बू और ये मैं, हम सब, तुम सब मेरे दुश्मन हो। हम तुम्हारे दुश्मन हैं? दुश्मन नहीं तो और क्या। ना मुझे सोने देते हो, ना जागने देते हो। घर का सारा काम करना क्या अकेले मेरी जिम्मेदारी है? तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मेरा काम है मैं करता हूँ, और ये बच्चे स्कूल जाते हैं। ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे क्या अपनी मम्मी को इस तरह तंग करते हैं? और तुम, मेरी तुमसे कभी शादी नहीं हुई। अगर शादी हुई होती तो क्या शादी की कोई तस्वीर नहीं होती? इस घर में मेरी तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। तस्वीरें थी लेकिन वो इधर उधर हो गई। तुम्हें याद नहीं जब जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारी कितनी चीजें खो गई थी? तुम झूठ बोलते हो। कोई तो सबूत होता कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। आज मैंने सारे घर की सफाई की लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ये लगे कि ये मेरा घर है। ये शैतान बच्चे मेरे हैं, तुम मेरे पति हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, चली जाऊंगी। अरे भाई जल्दी करो, रेस कोर्स पहुंचने में पूरा एक घंटा लगता है। आई आई। अरे तेरी आई आई में मेरी पाई पाई ना निकल जाए। ये बरकुटे भी कहां मर गया? ये गधे ये नहीं जानते कि रेस कोर्स में पहुंचने से पहले मुझे घोड़े देखने पड़ते हैं। डैडी डैडी डैडी, आई एम रेडी। ये क्या? मंकी? नो डैड, जंकी। जंकी, ये तू क्या हुलिया बना कर आया है? ये रोज रोज गिर गिर की तरह तू रंग क्यों बदलता रहता है? डैड, इट्स लेटेस्ट डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर। रामपुर में पैदा होकर सिंगापुर की बात करता है। सेठ भगवती प्रसाद का बेटा सर्कस के रंगे हुए गधे की तरह से रेस कोर्स में हरगिज नहीं जाएगा। जा इंसान बनकर आ। लेट हो गया, आगे चलो। क्यों मेरे बच्चे को डांटते रहते हो? ये तुम क्या अभी तक चिड़िया के उजड़े हुए घोंसले की तरह इधर उधर घूम रही हो? जानती हो हमें देर हो गई। तो चलो ना, मैं तैयार तो हूँ। ये तुम तैयार हो? हाँ। ना कंगन, ना झुमके, ना जेवर। इतनी भीड़ भाड़ में किसी की नजर मुझ पर पड़ गई तो अपनी आंखें बंद कर लेगा। क्या कहा? इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे जहर लाकर क्यों नहीं दे देते? वो भी मैं ही करूँ, खुद कुछ नहीं कर सकती हो। सेठ जी क्या है? वकील साहब आए हैं। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी वकील साहब। वकील? आइए आइए। भगवती प्रसाद जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे वो सब तो ठीक है, पहले ये बताइए कि आपके क्या हाल चाल है? अच्छे तो है आप? रेनू अमेरिका में नहीं है, मैंने पता लगाया। वो अमेरिका गई ही नहीं है। तो फिर वो कहाँ गई? मैं तो खुद उसे एयरपोर्ट छोड़कर आया था। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी पता किया है, किसी भी एयरलाइन के रिकॉर्ड्स में ये एंट्री नहीं है कि रेनू हिंदुस्तान छोड़कर बाहर गई। ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहाँ गई? ना जाने किस हाल में होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वकील साहब, मैं सोचता हूँ क्यों ना अखबारों में इश्तहार दे दिया जाए। ये आप ठीक कह रहे हैं, उसे इनाम की एक बड़ी रकम दे दी जाए जो मेरी बेबी का पता बता दे। भगवती प्रसाद जी, आपके पास रेनू का कोई फोटो है? फोटो? हमारे घर में तो किसी का भी फोटो नहीं है। डैडी, मेरे पास सिस्टर के बहुत से फोटोग्राफ्स हैं। अंकल मैं आपको दूंगा ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स कलर्ड। 50,000 का इनाम? लीजिए साहब, गर्मा गर्म भजिया फ्री में।
लाओ भाई लाओ भजिया और वो भी फ्री। क्या हुआ साहब, मिर्च ज्यादा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये लड़की लड़की ये वही है। कौन सी? वो रात वाली? वो रात वाली नहीं, ये रानी है, रानी रानी। क्या सबूत है? सबूत ये है, ये फोटो। जल्दी से इसे ढूंढ निकालो वरना हमारी नौकरी चली जाएगी और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। रेनू का पता बताने वाले को 50,000 रुपया इनाम। मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ देख, तूने अपना बदला तो ले लिया है, अब उसको उसके घर वालों के हवाले करके 50,000 रुपया हासिल कर ले। इतनी बड़ी रकम फिर हाथ नहीं लगेगी? नहीं चूचू, अब ना ही मुझे वो पैसा चाहिए और ना ही उसे वापस घर भेजने को दिल चाहता है। अब तो कुछ उसकी आदत सी होती जा रही है। ए राजा, तू चाहता क्या है? बस तू अब जल्दी से इन तस्वीरों के साथ मेरी तस्वीरें मिलाकर 5-6 फोटोग्राफ तैयार कर दे, हो सके तो एक आध शादी की भी। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता और वो कहता है मैं उसकी बीवी हूँ, रानी हूँ। रानियों को कोई भला इस तरह रखता है? ये तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी, मुझे छोड़कर? तुम मेरे कुछ नहीं लगते। और तुम्हारा कुछ नहीं लगता? हाँ। और ये तस्वीरें, ये देखो। अच्छा वो इसकी नेगेटिव चूचू के पास थी, देखो देखो देखो। अब तो यकीन आ गया। लेकिन इन फोटोज में तो मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और इतनी कीमती जेवर भी। हाँ हाँ, ये फोटोज उस वक्त के थे जब हम बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन तुम्हारे कपड़े? मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ। जो कुछ भी मैं कमाता था वो तो मैं तुम्हारे पर खर्च कर देता था। फिर हम अमीर से गरीब कैसे हो गए? किस्मत की बात है, एक दिन बहुत जोरों से बाढ़ आई और हमारे सारे खेत उजड़ गए और हम गरीब हो गए। अब इस हालत में तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा? देखो I'm sorry, मैं नहीं जाऊंगी। राजा देखा ये क्या कर दिया, एक तो नुकसान कर दिया, उसके ऊपर से ऐसे क्यों देख रही हो तुम? हमें ये अंडे टूट गए। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, हम पहले भी एक दूसरे से टकरा चुके हैं ना? पहले भी? हाँ कई बार। अब जब एक साथ घर में रहेंगे तो टकराएंगे भी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी तेजी से कहां जा रही थी? बच्चों के स्कूल से ये लेटर आया है। लेटर? हाँ, तुम्हें बुलाया है, आज किसी वक्त स्कूल होते आना। आज नहीं नहीं, आज मुझे बहुत काम है। और बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं, उनका अच्छा बुरा देखना तुम्हारा फर्ज नहीं, इस घर के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, अगर टाइम मिला तो आज चला जाऊंगा, नहीं तो कल देखा जाएगा। कल? लेकिन आज बुलाया है। ये आपके बच्चे? यस सर। इतनी कम उम्र में 3-3 बच्चे हो जाएं तो उनकी परवरिश कैसी होगी? देखिए मैडम, अब ये बच्चे स्कूल में नहीं रह सकते, हमें अपने स्कूल का डिसिप्लिन खराब नहीं करना है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इन बच्चों के साथ साथ हमारे स्कूल के दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाएं। यू अंडरस्टैंड सर? इन्हें एक और मौका दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, मैं वादा करती हूँ कि ये फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। क्या बात करती हैं आप, रोज सारे टीचर आकर आपके बच्चों की शिकायत करते हैं मुझसे, पूछिए इनसे। सर सर, होमवर्क तो करके ये कभी लाते ही नहीं सर, और ऊपर से शरारतें, माय गॉड। और सर देखिए देखिए सर, कल ही मेरे स्कूटर के पहियों की सारी हवा निकाल दी सर, और एक बार नहीं 20 बार रिपोर्ट लेकर इनके घर भेजी जा चुकी है, लेकिन इन्हें कोई परवाह ही नहीं, इनके घर से कोई आता ही नहीं सर। जी वो कुछ घर के कामकाज की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको फुर्सत नहीं मिलती, आपके हस्बैंड तो आकर बच्चों की खबर ले सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपके हस्बैंड कैसे बाप हैं, और आप माफ कीजिए मैडम, हम ऐसे गैर जिम्मेदार पेरेंट्स के बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते।
सुना तुम लोगों ने? तुम्हारी वजह से क्या क्या बातें सुननी पड़ रही हैं? मम्मी की कितनी बेइज्जती हो रही है, शर्म आनी चाहिए डब्बू। और तुम दोनों, क्या बात है छोटू? ये कैसे हुआ? टीचर ने मारा। गेंद से? मैं मानती हूं कि मेरे बच्चे शरारती हैं, होमवर्क करके नहीं लाते, इनडिसिप्लिन्ड है, लेकिन क्या आप लोगों में डिसिप्लिन है? What do you mean? इन फूल से बच्चों को इस बेरहमी से मारा गया है। Is that what you call discipline? आपने देखे इनके हाथ किस बुरी तरह से जख्मी हो रहे हैं। इस क्रूरती की अगर मैं रिपोर्ट कर दूं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये स्कूल बंद हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक टीचर की उसके स्टूडेंट्स के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? आपको अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं और आप मेरे पति की जिम्मेदारियों पर मुझे लेक्चर दे रहे हैं? क्या हक है आपको मेरे पति के बारे में कुछ कहने का? वो दिन रात मेहनत करके घर चला रहा है, आपके स्कूल की फीस भर रहा है, क्या इसलिए कि आप उसके बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करें? बड़े शर्म की बात है। आप मेरे बच्चों को स्कूल से क्या निकालेंगे? मैं खुद ही इन्हें थर्ड ग्रेड जगह में नहीं रहने दूंगी। कमन चिल्ड्रन, आज से तुम लोग स्कूल में नहीं पढ़ोगे। चुचू, इसने तो कमाल ही कर दिया यार। क्या आप बोली अपने बच्चों की तरफ से? इसको कहते हैं माँ। बच्चों को माँ तो अच्छी मिल गई। नहीं, और तूने देखा मेरी तो वो जरा भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या झाड़ा है टीचर को भी और प्रिंसिपल को भी। इसको कहते हैं अच्छी बीवी मिलना। हाँ साहब, बीवी तो आपको आपके मतलब की मिल गई। नहीं, हाँ यार ये बात तो है। अबे राजा, होश में आ जा, याददाश्त उस लड़की की गई है और भूल गया तू सब कुछ। चल, अब तुम लोगों को नए स्कूल में जाना है, वहां किसी तरह की शरारतें मत करना, पढ़ो लिखो, अच्छी बातें सीखो, अच्छे बच्चे बनो। चलो, रात हो गई, सो जाओ। प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें।
कितना बेकरार आया। बताओ अब तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं है ना? नहीं मम्मी, तुमने दवाई जो लगाई थी। अच्छा ये बताओ तुम्हें इस तरह का घर कैसा लगता है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? ये जाले, ये उल्टा पुल्टा सामान, ये गंदी दीवारें, ये सब फर्स्ट क्लास है? नहीं मम्मी, अच्छा तो नहीं लगता। अब जाओ किचन के अंदर से कोई कपड़ा ले लो और इस फर्नीचर को चमका दो। हाँ ओके मम्मी। डब्बू तुम ये जाले और ये दीवारें साफ करो। हाँ अच्छा मम्मी। और छोटू तुम डब्बू को हेल्प करो। ओके मम्मी। और मैं कपड़े धो लेती हूँ। शाबाश पुती। थैंक यू नॉटी। कौन हो तुम लोग? 50,000 का माल है, ले चलो। आज ये हीरा बहुत आवाज कर रहा है, उसे भी मोटू की तरह भूख ज्यादा लगती है इसलिए। क्या बात है मोती? मोती? अरे कहाँ जा रहे हैं मोती? मोती? क्या बात है? कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे मम्मा!
अच्छा अच्छा पढ़ाई हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पैर नीचे। क्या मम्मी ने आज सफाई की है, देखेगी तो नाराज हो जाएगी। खाना तैयार है। क्या ये सब क्या हो रहा है? ये खाने की घंटी है, चलो चलो। खाने की घंटी। हाथ धो लिए। हाँ मम्मी ये देखो। मैंने भी धो लिए। आज घर काफी बदला बदला सा लग रहा है। और फिर बच्चों ने पढ़ाई, इन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी, और फिर ये साफ सफाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर इस घर को सुधारा है। ये बच्चे समझदार हैं और बहादुर भी, जानते हो आज इन्होंने मेरी जान भी बचाई है। जान भी बचाई? हाँ बाबा, आज यहाँ कुछ गुंडे घुस आए थे, वो मम्मी को उठा कर ले जाना चाहते थे। क्या? अगर आज ये मेरी मदद ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। फिर हीरा मोती और नौटी भी तो थे हमारे साथ। हीरा ने तो वो मारा उन्हें कि सबके सब दुम दबा के भाग गए। लेकिन कौन थे वो लोग? पता नहीं, कह रहे थे कि मुझे ले जाएंगे तो उन्हें 50,000 रुपए मिल जाएंगे। 50,000? हाँ। कौन हो सकते हैं वो? वो जो कोई भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें हर चीज साफ साफ बता दूं। मैंने तुमसे कुछ झूठ बोले और कुछ बातें छुपाई है, जो मैं आज तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इन बच्चों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानती हूँ तुम रातों को किसी क्लब में नहीं जाते, बल्कि मार्केट में सामान डिलीवर करने जाते हो। नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में तो कहो ना। देखो रानी, मैंने पापा तुम्हें प्लीज। पापा क्या बात है? पापा भूख भी कितनी जोर से लगी और खाना भी कितना अच्छा बनाया है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बनाया है और कितना टेस्टी है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन तुम कुछ कह रहे थे। मैं कुछ कह रहा था? हाँ। अरे हाँ यही कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, खाओ। ये जीप कितनी गंदी है, कोई तो साफ नहीं करता। बारिश के दिनों में अपने आप ही धुल जाती है। अच्छा गाड़ी साफ करने का कपड़ा कहाँ है? बीच वाली सीट के नीचे। ये कपड़े किसके हैं? इसका मतलब राजा। ये क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। अच्छा ये कपड़े तुम्हारे हैं? नहीं ये मेरे कपड़े नहीं हैं। सच सच बताओ ये कपड़े तुम्हारी जीपे कैसे आए? रानी ये कपड़े तुम्हारे हैं। नहीं देखो मुझे कोई कहानी बनाकर मत सुनाना। I want the truth। तुम इतनी सी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? इतनी सी बात? किसी दूसरी लड़की के कपड़े तुम्हारी जीप में है और तुम कहते हो इतनी सी बात? देखो रानी मुझसे बहस मत करो, वैसे भी आज मुझे काम पर जल्दी जाना है, हटो मेरे रास्ते से। पहले तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा, ये मेरे घर का मेरी जिंदगी का सवाल है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घर में बीवी होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ। हाँ घूमता दूसरी लड़कियों के साथ, क्या करोगी तुम? मैं इस बात पर तलाक भी ले सकती हूँ। क्या तलाक? हाँ तलाक। तलाक तो तुम तब लोगी जब तुम शादी करोगी। अच्छा वो तुमने ये बात छेड़ी, मैं तो तुमसे खुद कहना चाहता था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, जिसने इतने साल तुम्हारे साथ गुजार दिए, इस घर को सवारा, बच्चों को पाला, और
तुम इस लड़की के लिए मुझे भी भूल गए। कल ये भी कहोगे कि ये बच्चे भी मेरे नहीं है। हाँ, ये बच्चे भी तुम्हारे नहीं है। तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब तुम मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लेना चाहते हो। ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, यकीन नहीं आता तो खुद चलकर पूछ लो। आओ मेरे साथ। सुनो, इधर आओ तुम लोग। अच्छा, अब जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। ये कौन है? मम्मी। मम्मी। नहीं, जो मैंने तुमको बोलने को कहा था वो मत बोलो। सच सच बताओ ये कौन है? ये मम्मी है। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। नबू, तू ही बता हम इसे कैसे लाए थे। मम्मी बोटिंग के लिए गई थी, वापस नहीं आई, इसलिए हमें बहुत फिक्र हो गई थी। मैं तो 3 दिन तक न खा सका न सो सका। ये तो अच्छा हुआ मम्मी को मच्छरों ने बचा लिया, नहीं तो ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नाटक है? अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं क्या करोगे? तुम ये मेरे बच्चे हैं और इन्हें इस तरह डांटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरा इन पर कोई हक नहीं है? हाँ, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम इनको। चूचू, मैं उसे पूछती हूँ। क्या हो गया तुम लोगों को? ये कब से तुम्हारी मम्मी बन गई है? चूचू, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दोस्त का चाल चलन कैसा है? किसका? राजा का। एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत शरीफ है बेचारा। तो फिर ये कपड़े किसके हैं? मुझे राजा की जीप से मिले हैं, एक दूसरी लड़की के कपड़े उसकी जीप में हो, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरा मतलब है ये कपड़े मेरे हैं। तुम्हारे? नहीं नहीं, मेरी एक मॉडल के। एक एड के लिए कुछ फोटो लेने थे और कंपनी वालों ने ये कपड़े दिए थे, और इत्तेफाक से उस दिन राजा की जीप मेरे पास थी, ये कपड़े उसी में रह गए। तुम सच कह रहे हो चूचू? एकदम सच। अच्छा, हाँ? तो ये लो फिर कपड़े। तुम जानते नहीं चूचू, तुमने मेरी कितनी बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। मैं जानती थी राजा ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू चूचू। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ। अब तूने कौन सी आफत खड़ी कर दी यहाँ पे? आफत नहीं, एक कहानी बना के तुझे साफ बचा लिया है। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं चूचू, रानी को उसके घर पहुंचाना पड़ेगा। ये तुझे क्या हो गया? उस दिन तो तू कह रहा था तुझे इसकी आदत सी पड़ती जा रही है। कुछ गुंडों ने रानी को पहचान लिया है। आज वो आए थे, कल कोई दूसरा आएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रानी को उसके घर पहुंचा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रेनू जिंदा है और तुम लोगों ने अपनी गिद्ध जैसी तेज नजरों से उसे देखते ही पहचान लिया। हाँ सेठ जी, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर पर एक फार्म हाउस है, वही है वो। फार्म हाउस पर है? वाह, हम तो उसे ले आते सेठ, लेकिन उसके 3 बच्चे वहाँ पर आ गए। 3 बच्चे मैडम के? मरकुटे, ये तो कह रहे हैं कि रेनू के 3 बच्चे हैं। इन्हें तू कहाँ से पकड़ कर लाया है? मैं नहीं सेठ जी, ये लोग मुझे पकड़ के ले आए हैं। अच्छा जाओ भाई जाओ, तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जब रेनू बेटी ने शादी नहीं की तो उसके 3 बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल उन तस्वीरों से मिलती है जो अखबार में छपी है। मिलती होगी, लेकिन वो कोई और होगी। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से, मरकुटे बाहर निकाले। जाओ यहाँ से, आ जाते पैसे बटोरने के लिए। अरे 50,000 तो क्या, 5 पैसे किसी फकीर को नहीं दिए सेठ जी ने, तुमको देंगे। चलो चलो जाओ। अरे चलो हिलो, 50,000 लेने आ गए। भिखारी हम लोग यहाँ पर आए यार। यार मार भी खाई और माल भी हाथ में लगा। सेठ जी, हो सकता है वो लड़की अपनी मैडम ही हो, एक बार हम लोगों को चल के देख तो लेना चाहिए। अबे मरकुटे, चूहे की तरह मेरा भेजा मत कुतर। कहां से मिल जाएगी तेरी मैडम? ऐसी मिल जाएगी जो मर चुकी है, वो कहां से मिल जाएगी? मर चुकी? कहीं आपने तो? और कोई रास्ता भी नहीं था मरकुटे, पर्जे वाले सर पे चढ़े बैठे थे। लेकिन सुन, तू ये बात किसी को बताना नहीं। पुलिस को भी नहीं? पागल हो गया क्या? मुझे फांसी लगवाएगा, वो तेरी बहन का क्या होगा? आ जाएगी बेचारी। रानी को यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं है। ये लोग तो उसे मार देना चाहते थे, तो क्या करें? कुछ भी हो सेठ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो चुप रह जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला चुप नहीं रहेगा। नीचे वाले चुप रहेंगे तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं बोलेगा, समझा? बोलो समझा। क्या बात है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं मुझे, यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग का ऑर्डर प्लेस किया था। लेकिन सुनार कहता है कि आज तैयार नहीं, कल आके लेके जाओ। कल कैसे आके लेके जाओ? बर्थडे तो तुम्हारा आज है। मेरा बर्थडे आज? और तुम लोग मम्मी मम्मी करते रहते हो, और मम्मी का बर्थडे याद नहीं है? अरे हाँ, आज ही तो है मम्मी का बर्थडे। कल रात मुझे याद था पर आज मैं भूल गया। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे। मम्मी को अच्छे से गिफ्ट देंगे। हाँ हाँ, लेकिन क्या देंगे? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन? हाँ, हमारे कपड़े धो धो कर मम्मी के हाथ सूज जाते हैं। अबे वॉशिंग मशीन मालूम कितने की होती है? ये कोई 8,000 की? 8,000? अरे आजकल इजी इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाती है।
मस्ती भरी शाम है, आज में नच गए, आज मस्ती भरी शाम है। ये ट्रैफिक क्यों जाम है? लैंडस्लाइड हो गया है, बारिश की वजह से सड़क पर कई पेड़ और पत्थर आ गए हैं। कब तक कैसे रहेगा? सुबह तक कोई चांस नहीं। आ
अब तो पीछे भी नहीं जा सकते, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन है। अब क्या करेंगे? लगता है गाड़ी में ही रात गुजारनी पड़ेगी। नुकसान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फसल पोल्ट्री कुछ भी तो नहीं बचा। और फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट का 60,000 का लोन। सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, नई फसल लगाएंगे। नहीं रानी, अब इस जमीन पर 6 महीने तक कुछ नहीं उगेगा, और वैसे भी इस फसल का वक्त गुजर गया है। तुम जाओ, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं सोएंगे। चलो बेटे सो जाओ, बहुत देर हो गई। मम्मी आज नींद नहीं आ रही, बारिश में बहुत नुकसान हो गया ना, अब क्या होगा मम्मी? तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूँ, पापा हैं, और फिर तुम सब हमारे साथ हो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो सो जाओ। क्या हो रहा है? मेहनत, मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने कहा ना, ये जमीन बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इस जमीन पर 6 महीने तो कुछ नहीं पैदा होगा, और फिर हर फसल का एक सीजन होता है, एक मौसम होता है। एग्जैक्टली, ये क्लाइमेट और ये मिट्टी गुलाब की खेती के लिए बहुत अच्छी है। गुलाब? गुलाब की खेती? क्या करेंगे गुलाब का, फूलों से अपने घर सजाएंगे? नहीं, हम उन्हें मार्केट में बेचेंगे। कितना बड़ा बिजनेस है आज फूलों का, शादियों में, डेकोरेशंस के लिए, 5-star होटल्स में, पार्टीज में, कितनी डिमांड है उनकी। तुम देखना, 3 महीने के अंदर ही ये खेत फूलों से भर जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने कैलिफोर्निया में रोजेस पर रिसर्च की थी। कैलिफोर्निया? मैं कैलिफोर्निया कब गई थी? अरे तुम्हारे दिमाग में तो ऐसी उल्टी सीधी बातें आती रहती है। गुलाब की खेती क्या मुफ्त हो जाती है? उसके लिए कलमे चाहिए, खाद चाहिए, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, कम से कम 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा। ये कहां से आएगा तो रुपया? रुपया? हाँ, खाली जमीन पर ट्रैक्टर चला देने से गुलाब नहीं निकलाते। उसका इंतजाम भी हो जाएगा। Come on kids। अरे अरे, हो जाएगा कहां से? अरे ये सब सामान कहां लेके जा रही हो? अरे मैं तुमसे पूछा हूँ, ये सब सामान कहां लेके जा रही हो? ए बोटू, तू बता ये सामान कहां जा रहा है? इसे बेचकर गुलाब की कलमे और खाद लाएंगे। इसे बेचकर? हाँ। अरे इसे मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के रखा है। अरे सुनो, ये जंग ये कबाड़ जाएगा तो ये घर भी अच्छा लगेगा। जंग कबाड़? अरे ये मेरे बाप दादा के जमाने का फर्नीचर है। अरे हमारी पुस्तक की निशानी है। रानी ओ रानी, दे दे मेरे बाप दादा के जमाने की निशानी। मेरे बाप दादा तो कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। अरे ये फौज किस मामला करने जा रही है मुझ पर? सब भागे हुए, अजीब मुसीबत मैंने अपने गले बांध ली है यार। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे रानी की गुलाब की खेती करेंगे और 1,00,000 रुपए कमाएंगे, ऐसा होता है क्या? आइडिया बुरा नहीं है। क्या गुलाब का बिजनेस क्या बिजनेस है, शादी हो या बर्बादी, फूल तो हर जगह लगते हैं ना, और कोई बड़ा नेता मर जाए तो हिंदुस्तान के सारे गुलाब एक ही दिन में बिक जाते हैं, कोई समझा? अच्छा है? अरे यही तो यार, ये एक्चुअली आईडिया पहले मेरा था। चल है? चलो जल्दी करो, बहुत काम करना है। मैं तैयार हूँ मम्मी। मैं भी तैयार हूँ। चलो
अरे मुडोट ये ले फेंक क्या? मैं? हाँ लेके जाना फेंक क्या? क्या रंगों भरी मेरा मन है तेरा, मेरा तन है तेरा।
रोको रोको। मिल गई मैडम, मिल गई। चलिए मैडम चलिए। कहाँ? पुलिस स्टेशन। अरे ये आपका पति नहीं है क्या? What? मैं इनका पति नहीं हूँ। नहीं, क्या हो गया आपको इंस्पेक्टर साहब? उस दिन तो आप कह रहे थे कि मैं... उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम इस रानी के राजा नहीं हो सकते हो, तुम फ्रॉड हो, लफंगे। इंस्पेक्टर जी, माइंड योर लैंग्वेज, आप मेरे पति से इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन मैडम ये आपका पति नहीं है। क्या सबूत है? सबूत? हवलदार वो पेपर देना। कौन सा? अरे वही जिसमें तूने भज्जी खिलाए थे। वो तो मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया, उस पर तेल बहुत लगा हुआ था। फेंक दिया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल के अंदर करके ही रहूंगा। ये लोग पापा को जेल क्यों भेजेंगे? मम्मी, मम्मी, ये बच्चा आपका है? ये तीनों बच्चे मेरे हैं। तीनों? तीनों? छह महीने में तीन बच्चे? मैडम नहीं, 10 साल में। रानी के बच्चों का बहुत शौक है। रानी? ये रानी रानी क्या लग रखा? मैडम आप रानी नहीं, आप रेनू है। रानी है। रेनू है। रानी है। रेनू है। रानी है। रेनू है। सीता है। गीता है। रेनू है। रानी है। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या? क्या आपने सीता और गीता देखी है? हेमा मालिनी वाली? हाँ, और राम और श्याम दिलीप कुमार वाली? हाँ हाँ, देखी है। किशन कन्हैया, अनिल कपूर। अरे हाँ, ये ओहो, यू मीन डबल रोल? हाँ, आजकल तो ऐसा अक्सर होता है। राइट, तभी मैं सोचूं कि मैडम की शक्ल मैडम से इतनी कैसे मिलती है। यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन सर। मैडम आपका पति बहुत ही समझदार है। आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। नहीं, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। अरे हाँ, हम लोग चलते हैं। चल, कितना इंटेलिजेंट आदमी है। क्या सबूत है? हमेशा से आदमी कंफ्यूज रहा है और हमेशा रहेगा। एक सेकंड, मुझे इस फूल की दुकान से पैसे लेने हैं। लीजिए। हैं? ये तो राम नाम सत्य है। अरे भाई, मरण दिन वाला नहीं, जन्म दिन वाला चाहिए। अच्छा सर, क्या आदमी है ये? लीजिए। हाँ, ये ठीक है। ये गुलदस्ता पहले नहीं दे सकता। अरे बाप रे, मरण दिन के फूल क्या ले लिए, भारी पड़ गया। इसको कैसे करूं? दूसरा ले, दूसरा तो महंगा पड़ेगा, इसी से काम चला लेता हूं मेरा भाई। अरे फनी मैन, ये गाय भैंसों का चारा कहां से उठा के लाया? नहीं नहीं नहीं, फूल है, जरा उल्टे सीधे हो गए। आज आपका जन्मदिन है, बधाई हो जीजा। डर मत, डर मत, कह दे कह दे, आज मुझे जीजा जी कह सकता है। आज के दिन सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जीजा जी, जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक मुबारक। धन्यवाद धन्यवाद नरकुटे, धन्यवाद। वाह 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 वाह, कुत्ते की सी वफादारी तेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। मेरे परिवार में किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन तुझे हर साल याद रहता है। इसी खुशी में मैं तुझे एक घड़ी देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा। भगवती प्रसाद जी। अरे ये वकील फिर यहाँ क्यों आ गया? वकील साहब, नमस्ते नमस्ते। इस बार क्या खबर लाए हैं? ये आपके हाथ में क्या है? जन्मदिन का तोहफा होगा, ले लीजिए ले लीजिए। चेक होगा, चेक होगा। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ये मकान खाली करना होगा। खाली करना होगा? जी हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, रेनू बिटिया की सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस प्रमाइसेस, कैश, ज्वेलरी, लॉकर्स, सब कुछ कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है। लेकिन क्यों, किस लिए? इसलिए कि रेनू बिटिया का अब तक कोई पता नहीं चला। लेकिन हो सकता है कभी पता ना चले, मेरा मतलब है मर गई हो या मार दी गई। अरे चुप करो मरकुटे, कैसी अशुभ बातें करते हो, भगवान करे कभी ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो भी तो भी उसकी मौत का सबूत मिलने के बाद ही उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों, उसके वारिसों में बांटी जा सकती है, या फिर अदालत उसे जब्त भी कर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? रेनू का चाचा हो, 10 दिन के अंदर ये मकान, अरे आप भी कुछ कीजिए ना। कोर्ट के ऑर्डर्स के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इजाजत दीजिए। अब मैं क्या करूं मरकुटे? एक रास्ता है। क्या? अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओगी। अब आ गई हो तो देखो, मुझसे दूर मत जाना।
जल्दी उठ गए। तुम यहाँ कब आई? रात को। इसका मतलब यह है कि तुम सारी रात यहीं मेरे पास हुई? लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे अकेले दूसरे कमरे में सोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम्हें? मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी तस्वीर सीने से लगाकर सो सकते हो और मुझे अपने करीब भी नहीं आने देते। क्यों? देखो, डॉक्टर ने कहा जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम अलग ही सोया करो, कुछ दिनों की तो बात है। अरे आज तो मुझे काम पे जल्दी जाना है। नाश्ता? हाँ वहां पर रख दो। सुनो, आज काम पर मत जाओ। रानी छोड़ो मुझे। नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो 10 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज भी मैं तुम्हें छूती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार तुम मेरे इतने करीब हो। तुम्हें नहीं लगता? बोलो ना, तुम्हें कुछ नहीं होता? नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कि मेरे को जज्बात नहीं है, मैं इंसान नहीं हूं, मैं पत्थर हूं। हाँ मैं पत्थर हूं। नहीं, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, और जिस दिन तुम्हें मेरी मजबूरी का पता चलेगा तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। सेठ जी, आपने शहर के सारे जुआ खाने और शराब के अड्डे देख डाले, वो लोग नहीं मिलने वाले। मरगुटे, उन लोगों का मिलना बहुत जरूरी है। वो लोग उस लड़की का पता जानते हैं, और अगर उस लड़की की शक्ल रेनू से मिलती है तो वो हमारे बड़े काम आ सकती है। वो कैसे? ये तू नहीं समझेगा। चल बना एक और पैर। अभी बनाया जी। सिर्फ 2 दिन रह गए मकान खाली करने में, और ये शोभा और ये चुनौती, समझ में नहीं आता अपना भैंसों का तबेला लेकर किधर जाऊं। अब तो आप चिड़ियाघर भी नहीं जा सकते, वहां भी कोई दूसरा आ गया होगा। मरगटे नीचे उतर। मरकुटे, ये देखिए वही लोग हैं ना जो रेणु का पता बताने आए थे। हाँ ये वही है, 50,000 वाले। चल। मैं इन्हें स्कूल लेकर जा रही हूँ, आज इनका आखिरी पेपर है, और फिर बाद में वहीं से किसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाएंगे। और हाँ, तुम्हारा नाश्ता लगा दिया है, और लंच खुद गर्म कर लेना। ओके ओके। अरे हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। हाय पापा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग चाचा अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पेपर ऊपर चल रहे हैं? पेपर नहीं, पेपर। हाँ वही, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग राजा। गुड मॉर्निंग आ चुचू। ये अच्छा है, ना घर की कोई चिंता ना बच्चों की फिक्र, तेरी जिंदगी तो एकदम बदल गई है यार। बदल नहीं, सुधर गई है। देख क्या था पहले ये घर यार, अब देख क्या हो गया। और ये बच्चे, ये बच्चे तो इतने शरीफ हो गए, और इस बात की तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है। अब लगे तो तू रानी से शादी कर डाल और उसे हमेशा के लिए अपना बना ले। यही तो नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? वो तुझसे प्यार करती है और तू उससे? उसके प्यार में मेरे प्यार में बड़ा फर्क है चुचू। मेरा प्यार हकीकत और उसका प्यार एक ख्वाब है। एक दिन जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि हम पुलिस स्टेशन से उसे झूठ बोलकर यहां ले आए, तो वो हमें धोखेबाज समझेगी और मक्कार, शायद हमारी रिपोर्ट पुलिस में भी कर दे। सेठ जी, सेठ जी, आप बच गए, बच गए। सेठ जी भगवान की कसम, आप पूरे के पूरे बच गए। क्या जंगली सुअर किसी आवाज निकाल रहा है? सेठ जी क्या कोई घड़ी का घंटा है जो बच गए? बच नहीं गए,
आप फांसी की सजा से बच गए। वो कैसे? रेनू बेबी जिंदा है, वो तीन बच्चों की माँ ही अपनी बेबी है। बैठ जा, चंडू खाने से उठकर आया, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, अपनी मैडम जिंदा है और अपनी याददाश्त खो चुकी है। सच? सच सेठ जी, वो लड़की ही अपनी मैडम है लेकिन सब कुछ भूल चुकी है। इसका मतलब अब दूसरा खून करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा खून? मैंने सोचा था कि लड़की को मारकर अदालत में रेनू की मौत का सबूत दे देंगे। चलो अच्छा हुआ रेनू जिंदा है, और अब उससे भी अच्छी बात यह है कि उसकी याददाश्त चली गई है। अब हम रेनू को यहाँ ले आएंगे और अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखेंगे। छोटू, छोटू तू फर्स्ट आया है। और मैं? एक मिनट देखता हूँ। हटो, हटो वाली। शाबाश, वेरी गुड। और डब्बू और मोटू? अरे मोटू डब्बू, तुम लोग भी फर्स्ट। मम्मी, मैं भी खुश हो गया। और मैं मम्मी, मैं फर्स्ट आ गया। शाबाश। और मैं भी। वेरी गुड, मुझे मालूम था तुम लोग जरूर फर्स्ट आओगे। I'm proud of you. ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। ये आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। आज अगर मैं सर उठाकर चल सकता हूँ तो तुम्हारी वजह से। तुम्हारे हम पर बहुत एहसान है। थैंक यू। अपने बच्चों पर, तुम पर एहसान किस बात का? चलो आज सेलिब्रेट करते हैं। बात तो बताओ क्या? अंडे से आई मुर्गी या मुर्गी से आए अंडे? अंडे से आई मुर्गी या मुर्गी से आए अंडे? दिन पहला है मंडे या मंडे से पहले संडे? दिन पहला है मंडे या मंडे से पहले संडे? Zoom, zoom.
मोटू छोटू गाड़ के आगे झंडे चली गई। ये तो मुझे पहचानती है। आपकी शक्ल में कुछ खराबी है सेठ। आपने मुझे मार डालने की कोशिश की थी, मेरी बोट डूब रही थी और आप हंस रहे थे। इसका मतलब आपने ही मेरी बोट में होल किया था। मुझे सब याद आ गया है। वकील अंकल ठीक कहते थे कि आपकी नजर मेरी दौलत पर है। और कुटे ये तो नागिन की तरह निकली है, मेरी तस्वीर इसकी आंखों में उतर आई है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में आपकी रिपोर्ट करूंगी। रिपोर्ट तो तब करोगी बेबी जब तुम जिंदा रहोगी। पकड़ो इसे भाई। सेठ जी का पीछा करो, सेठ जी का पीछा करो। राजा ये सब क्या हो गया? वो लोग रानी को ले जा रहे हैं। रानी की जान खतरे में यार। पापा मम्मी को बचा लो पापा। हाँ बेटा चलो। घाट की तरफ ले चलो। सीधी बैठो बेबी सीधी। बेबी तुम्हारी जायदाद हासिल करने के लिए तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। चलो 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 ले जाओ तो फेंक दो पहाड़ी के नीचे। चलो 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 Thank you.
हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ना मुन्ना ना, तुम नहीं, तुम नहीं बेबी, तुम चलो भाई ले चलो इसे। अंकल प्लीज अंकल, मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए। मम्मी? कौन सी मम्मी? ये मेरी मम्मी है। बकवास बंद कर देगी औलाद, वो तेरी नहीं मेरी मम्मी है, मेरा मतलब मेरी बेबी है। प्लीज अंकल मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप साली बानर सेना, पीछे हटो, हटो पीछे वरना गोली चला दूंगा। लेने की कोशिश की थी, राजा ना था तो आज मैं जिंदा नहीं बचती। राजा? ये राजा है, इसी ने मेरी जान बचाई है। तुम तो वही हो, मैंने तुम्हें लॉकअप में बंद करवा दिया था, तुम झूठ बोलकर मुझे पुलिस स्टेशन से अपने घर ले गए। तुम मेरे पति नहीं हो, और वो बच्चे, दिन रात तुमने मुझसे नौकरों की तरह घर का काम करवाया। क्यों? बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? रानी मैं तुम्हें सब कुछ, मैं रानी नहीं रेनू हूँ, अब मैं समझी, तुमने ये सब नाटक मुझसे बदला लेने के लिए किया था, या फिर तुम्हारी नजर भी मेरी दौलत पर थी। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तुमसे नफरत है। I hate you. I hate you. Inspector, arrest this man. आओ बेटी। चलो राजा भोज, अब जेल में चलकर राज करना। हमें बेवकूफ बनाता है। राम और श्याम, सीता और गीता, हवलदार। इंस्पेक्टर, इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दूँ? चलिए अंकल। इस बार भी बच गए। You are a very lucky man. क्या सबूत है? अब मैं चलूँ? छोटे मोटे डब्बो आ जाओ, खाना तैयार है। मुझे तो भूख नहीं, जाओ तुम दोनों जाकर खा लो। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है।
अब ये सब कहां रह गए? मम्मी आ गई। मम्मी, अरे ये तो मम्मी है। मम्मी कहां है? मम्मी, क्या हो गया तुम लोगों को? ये थाली कौन बजा रहा था? मैं बजा रहा था। चलो बैठो। खाना शुरू करो। हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? नहीं। सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया और कहते हो कि भूख नहीं है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हमें मम्मी चाहिए। वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। जानते हो कितने बड़े घर की है वो? भूल जाओ उसे। पापा, वो भी हमें भूल जाएगी? हाँ भूल जाएगी। वो हम सबसे नफरत करती है। हमने भी तो उसे कितना परेशान किया था। सारा घर भर का काम हम उसे कराते थे। मैंने उसके नहाने के पानी में बर्फ डाली थी। मैंने मम्मी को धक्का मारा था और मैंने तो भूत कहा था। और मैंने क्या नहीं किया? यहाँ तक कि उसको पानी के ड्रम में डाल दिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा, तुम हमें मम्मी के पास ले चलो। हम उसे माफी मांग लेंगे। वो हमसे प्यार करती है पापा। वो वापस आ जाएगी। हाँ पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा। ये क्या पापा वाला लग रखा है? ड्रामा खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारा पापा नहीं, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, समझे? हमें पापा कहना अच्छा लगता है। हम पापा नहीं कह सकते पापा। हाँ बेटा, कह सकते हो। और तुम मुझे पापा ही कहना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। पूछिए, क्या पूछना है? मिस रेनू, सुना है आज आप वापस अमेरिका जा रही हैं? जी हाँ। आपके अंकल भगवते प्रसाद आपको क्यों मार डालना चाहते थे? इसलिए कि उनकी नजर मेरी दौलत पर थी। राजा आपकी नजर में कैसा आदमी है? आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, उसने आपको अपनी बीवी कहा, लेकिन क्या कभी इस रिश्ते का जिस्मानी फायदा उठाने की कोशिश की? जी नहीं। क्या इसका यह मतलब नहीं कि वो एक शरीफ इंसान है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सुना है आपने राजा को एक बार लॉकअप में बंद करवा दिया था, क्या उसने आपसे कोई बदतमीजी की थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो एक गलत फहमी थी। थैंक यू। राजा चाहता तो आपको आपके अंकल के हवाले करके 50,000 रुपए का इनाम कैश कर लेता, और 50,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? शायद इंसानियत के नाते। शायद वो आपको चाहने लगा था। क्या आप भी उसे चाहने लगी थी? क्या आपको उन बच्चों से भी प्यार हो गया था? बच्चों से किसे प्यार नहीं हो जाता? क्या यह सच है कि वो बच्चे भी आपको बहुत चाहने लगे थे? शायद। हाँ, आप तो समझदार हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें भूल जाएंगी, लेकिन क्या वो मासूम बच्चे आपको भुला पाएंगे? इस ऐशो आराम की जिंदगी और उस सीधी सादी घरेलू जिंदगी में आपको कौन सी जिंदगी ज्यादा अच्छी लगी? क्या भी आपके दिल में राजा के लिए प्यार है? अगर है तो आप हिंदुस्तान छोड़ के क्यों जा रही हैं? That's all. No more questions. एक आखिरी सवाल। अगर आपको पता चले कि उन बच्चों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, जिन्हें आपके हाथों का बना खाना खाने की आदत पड़ चुकी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? चूचू अंकल कह रहे थे आज रात को मम्मी अमेरिका चले जाएगी। हाँ, 2 बजे की फ्लाइट से। फिर वो वहां से कभी वापस नहीं आएगी? नहीं। अरे अंकल, आप कब आए? काफी देर से देख रहा हूं तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, किसी गहरी सोच में हो। बस यही सोच रही थी कि अब जाऊंगी तो शायद कभी ना लौटूं। टप्पू छोटे मोटू, क्या हुआ? मम्मी के फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे रह गए, एक लास्ट ट्राई हो जाए। हाँ, चलो चलो चलो। We'll be right back.
यू। वेलकम। To New York. Passengers are requested to proceed towards the aircraft. क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। अब हम टायर पर नहीं पहुंच सकते। तुम कौन हो सर? अभी अभी किसी ने फोन पर कहा कि न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट नंबर 101 पर बम प्लांट किया गया है। व्हाट? ओह माय गॉड, स्टॉप द फ्लाइट इमीडिएटली और फौरन सब पैसेंजर्स को नीचे उतारो। गो फास्ट। यस सर। सॉरी टिकट। इधर ही रुकना। सुनिए, न्यूयॉर्क की फ्लाइट नंबर 101 चली गई। चली गई? हाँ। लेकिन वो तो डिले हो गई थी ना, उसमें तो बॉम्ब स्केयर था, पैसेंजर्स को दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर दिया था। आर यू श्योर? हाँ भाई, 10 मिनट हो गए उसे टेक ऑफ हुए। अब तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी ना मम्मी। नहीं बेटे, मैं तुम सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। प्रॉमिस। प्रॉमिस। आज मैं बहुत खुश हूं। बहुत। लेकिन डरता हूं, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? तुम्हारे पास इतनी दौलत है, दुनिया का सारा ऐशो आराम, इससे बढ़कर मैं तुम्हें क्या दे सकूंगा? एक छोटी सी प्यारी सी बेटी। वेट वेट वेट, पहले शादी फिर आबादी। क्या?